स्वतंत्रता सेनानी अब्बास तैयब की 87वीं पुण्यतिथि पर मुस्लिम समाज के लोगों ने उनके मजार पर जाकर फातिया पढ़ा और उनके देश के आजादी के लिए किए गए योगदान को याद किया। स्वतंत्रता सेनानी अब्बास तैयब की पुण्यतिथि पर मुस्लिम समुदाय ने प्रदेश सरकार से मांग की कि उनकी मजार तक जाने का रास्ता बनाया जाए और इस क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाई जाए। इस संबंध में प्रदेश के मंत्री गणेश जोशी से इस एक प्रतिनिधि मंडल शीघ्र मिलेगा। अब्बास तैयब पुण्यतिथि कार्यक्रम के संयोजक अयूब साबरी ने कहा कि मसूरी जैसे पर्यटक स्थल में महान स्वतंत्रता सेनानी अब्बास तैयब का 9 जून 1936 को इंतकाल हुआ था, लेकिन इतने बड़े स्वतंत्रता आंदोलनकारी के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, जबकि देश की आजादी में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी ऐसी बड़ी शख्सियत जो है यहाँ है, लेकिन जिनका पता नहीं है, कोई जानता नहीं। हमारा प्रयास यही है कि पता चले कि इन्होंने कितनी कुर्बानी दी है, गांधी जी के साथ कदम बा कदम चले हैं। और यहाँ इनकी कब्र है, 1936 में 9 जून को इनका इंतकाल हुआ था, यहाँ इनको दफन किया गया था। हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे देश के लिए लड़े हैं, आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, उनका ये हाल है कब्र का कि यहाँ रास्ता तक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाई ये जो आपके माध्यम से जाए कि यहाँ कुछ बनना चाहिए, इसका रास्ता बनना चाहिए, इसमें काफ़ी काम बाकी है, बहुत मुश्किल है, यहाँ आना भी बड़ी मुश्किल से आया जाता है। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद मेनुस ने कहा कि यहाँ देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अब्बास तैयब की मज़ार है, लेकिन उनको कोई याद नहीं करता। ऐसे में यहाँ पर आकर उनकी आत्मा की शांति के लिए आयतें पढ़ी गईं ताकि उनको याद किया जा सके और समाज को उनके बारे में जानकारी मिल सके। हमारे जो ये अब्बास तैयब जी हैं, ये एक फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ पेश की। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़कर हमारे देश को आज़ाद कराने में इनकी बड़ी भूमिका रही। गांधी जी के साथ मिलकर खूब इस देश के लिए लड़े हैं। आज हमारा काम यह था कि हमारे जो बुजुर्गान हैं, उन्होंने इस तरह की कुर्बानी जो हमारे लिए देश के लिए दी, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनकी कम अज़ कम एक बार तो उनकी कब्र पर आए, सूर्य फातिहा पढ़कर उनके लिए मगफिरत की दुआ करें और उनको अपनी दुआओं में, अपनी बातों में जरूर याद करें। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।